शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये वृंदारक वृंद बंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक रसिक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपादा भज गिरिधर
अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन दोनों प्रश्नों के हल करने में हमने अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में निरंतर तैलधारावद विच्छिन्न प्रतिक्षण प्रयत्न करने पर भी अभी तक वहीं खड़े हैं। अर्थात इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं कर सके, अतएव दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं, और ये अपूर्णता तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न हो जाएंगे। तदर्थ प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा बताया गया कि जो मेरा न हो वो मैं है, और मेरा शब्द का जो अर्थ बताया गया कि मैं के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान एक माया। अतः इन दोनों में कोई मेरा होगा। मैं के अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं है, और ये तीनों तत्व यद्यपि सनातन हैं, नित्य हैं, किंतु
तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र तत्व एक है भगवान, शेष दोनों तत्व भगवान के अधीन है। इनमें एक तत्व अर्थात मैं चेतन है, दूसरा तत्व माया जड़ है। इसलिए भगवान और जीव दोनों पास पास हैं, दोनों चेतन हैं। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं जीव के अतिरिक्त, एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है, सब शक्तियां इसी पराशक्ति के अंडर में है। तो ये जीव शक्ति न तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण की अंश है, ये जीवात्मा, और न तो माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है जीवात्मा। ये भी बताया गया कि माया शक्ति तो जड़ है, उसके अंश होने का प्रश्न नहीं, और पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। अगर हम उसकी शक्ति होते तो भगवान के सब गुणों से युक्त होते, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप होते, किंतु हम मायाबद्ध हैं, अनादि मायाबद्ध, और भगवान मायाधीश है। इसलिए पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है। तो भगवान की जो जीव शक्ति है परा और माया शक्ति के अतिरिक्त, उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, शक्ति है। इसलिए हम न तो जड़ है और न तो स्वरूप शक्ति युक्त है, हम माया के अधीन है, और भगवान से हमारा भेदाभेद संबंध है, अर्थात कुछ विषयों में अभेद है, अधिक विषयों में भेद है। जैसे भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं, भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अशक्त हैं, भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, भगवान ईश है, शासक है, हम शास्य हैं, भगवान प्रेरक है, हम प्रेरज हैं, भगवान धारक है, हम धार्यमान हैं, भगवान अंशी है, हम अंश है, भगवान एक होते हुए भी सर्वव्यापक है, हम अनंत जीव हैं और केवल देह व्यापक है, अनंत भेद है।
और यह भी बताया गया कि हम जीव अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं और केवल हृदय में रह करके जिस शरीर में भी हम जाते हैं उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। आलो मध्य आ नखे भ्या, वेद कहता है सिर से पैर तक उसके प्रत्येक अंग में जैसे प्रकाश जिस कमरे में भी होता है पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, वो छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो, ऐसे ही ये जीव हृदय में चाहे चींटी के हो चाहे हाथी के हो पूरे शरीर में चैतन्यता प्रकट कर देता है। जब तक वो रहता है तब तक हम शरीर को जीवित कहते हैं, चेतन कहते हैं। जब वो चला जाता है तो शरीर अपने असली रूप में, माइक रूप में, जड़ रूप में हो जाता है। ये हम सब लोगों का अनुभव है। और यह भी बताया गया कि यह जीव जब कभी माया से अतीत हो जाएगा, माया से उत्तीर्ण हो जाएगा, तो भी इसी प्रकार अणु रहेगा, सर्वव्यापक नहीं होगा, भगवान नहीं बनेगा, जड़ माया भी नहीं बनेगा, माया से छुटकारा पा जाएगा। माया शक्ति का अत्यंता भाव भगवान भी नहीं कर सकते, किसी शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता, लेकिन हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि यह जीव यद्यपि सनातन है किंतु माया का आधिपत्य सनातन नहीं है, सदा से माया का आधिपत्य था लेकिन सदा रहेगा यह कंपल्सरी नहीं है। अगर उपाय किया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है, अनंत जीवों ने छुटकारा पाया है, लेकिन वे भगवान के 8 गुणों से युक्त तो हो गए किंतु सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान के लोक में दिव्य शरीर, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद से युक्त होकर जीव अनंत काल तक भगवान का सेवक बनकर सेवा करता है। आजा आजा सुकुमारी बरसाने वारी, आजा आजा सुकुमारी बरसाने वारी, आके कभू ना जा प्यारी बरसाने वारी, आके कभू ना जा प्यारी बरसाने वारी, ओ रस बरसाने वारी वारी। तू ही तो है मेरी प्यारी बरसाने वारी, तू ही तो है मेरी प्यारी बरसाने वारी।
मैं भी तो हूँ तेरी प्यारी, मैं भी तो हूँ तेरी प्यारी, पाछा नहीं छोड़ू प्यारी, बरसाने वाली, पाछा नहीं छोड़ू प्यारी, बरसाने वाली, तेरा है भरोसा भारी, बरसाने वाली, तेरा है भरोसा भारी, बरसाने वाली, ओ रस बरसाने वाली, तू तो है कृपालु बिनु कारण प्यारी, तू तो है कृपालु बिनु कारण प्यारी, तो यही गुण पर वारी वारी प्यारी, तो यही गुण पर वारी वारी प्यारी।